गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल के पीरियड में विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के जो भेद है गुणवाचक विशेषण सीखा था, तो आज के पीरियड में हम संख्यावाचक विशेषण सीखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, मैंने पहले पीरियड में सिखाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाम, और नाम के जगह पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह क्या हुई, सर्वनाम। यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी उदाहरण में हम ले सकते हैं कि कक्षा में चार बालक, कक्षा में कितने बालक हैं, तो चार बालक हैं, चार क्या हुई फिर संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि मैदान पर छह लड़के खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं मैदान पर, छह लड़के खेल रहे हैं, तो छह क्या हुई संख्यावाचक विशेषण। इसलिए हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में हम ले सकते हैं कि कक्षा में चार बालक है, कितने बालक है, तो चार, चार क्या हुई फिर संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, कितने रुपए है मेरे पास, ये क्या हुई सर्वनाम। और सर्वनाम की संख्या का जो बोध कराते हैं वो क्या हुई संख्यावाचक विशेषण। यानी मेरे पास 100 रुपए है, कितने रुपए है, तो 100 क्या हुई फिर संख्यावाचक विशेषण। यानी 100 यह संख्यावाचक विशेषण और मैं यह सर्वनाम। तो इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण संख्यावाचक विशेषण में ले सकते हैं कि मैंने बाजार से चार लाई है, या मैंने बाजार से 6 सब्जियां लाई है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण इसमें आ सकते हैं। यानी जो संख्या हमें एग्जैक्ट पता रहती है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य उपभेद दो है। संख्यावाचक विशेषण के उपभेद दो है। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या वाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या निश्चित रहती है, इसमें अनिश्चित रहती है। यानी यह संख्या दिखाई नहीं देती है, ये जो संख्या है एग्जैक्ट दिखाई देती है। इसलिए जो संख्या निश्चित है या जो संख्या दिखाई देती है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम कहते हैं। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने पहले संख्यावाचक विशेषण में जो उदाहरण लिया था कि कक्षा में चार बालक है, वो भी हम उदाहरण निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ले सकते हैं कि
कक्षा में चार बालक है, कक्षा में कितने बालक है, संख्या वो निश्चित है ना, इसलिए वह चार जो हुई निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुई। उसी तरह से हम दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं। चार मैदान पर चार लड़के खेल रहे हैं। मैदान पर कितने लड़के खेल रहे हैं, यानी ये जो संख्या है निश्चित है, कितने बालक खेल रहे हैं या लड़के खेल रहे हैं, तो चार। चार क्या हुई फिर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी यह जो संख्या है वह निश्चित है कि मैदान पर चार ही लड़के खेल रहे हैं, इसलिए यह हुई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उस तरह से हम दूसरे भी उदाहरण ले सकते हैं कि बाहर गली में गुल्ली डंडा छह बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह से हमने जो ये उदाहरण देखा था कि चार लड़के मैदान पर खेल रहे, इस तरह से हमने कि मैदान पर चार लड़के खेल रहे हैं, यानी चार ये क्या हुई, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से हम दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं कि कक्षा में चार बालक है, या हमारी ग्राउंड पर चार या छह लड़के लगोरी खेल रहे हैं, कितने लड़के लगोरी खेल रहे हैं, तो छह लड़के लगोरी खेल रहे हैं, ये क्या। इसी तरह से हमने निश्चित संख्यावाचक सीखी है। तो अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि जो संख्या निश्चित नहीं रहती है या वह संख्या हमें पता नहीं चलती है, उसको ही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित यानी जो संख्या निश्चित है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जो संख्या निश्चित नहीं है या हमें पता नहीं है कि वो वहां पे है कि नहीं है। हम उदाहरण में ले सकते हैं कि हमारे पिछवाड़े में कुछ गमले हैं, कितने गमले हैं, कुछ, यानी उसमें संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए वो क्या हुई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण में देख सकते हैं हम, कुछ बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। कितने बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, इसमें संख्या निश्चित है क्या, नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी कुछ बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, यानी कुछ क्या हुई, निश्चित संख्या नहीं हुई, इसलिए यह क्या हुई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि बहुत सी पुस्तक के मेज पर है, यानी कितने पुस्तकें मेज पर है, बहुत सारी पुस्तकें मेज पर है, यानी उसमें संख्या निश्चित है क्या, नहीं निश्चित है, इसलिए वो क्या हुई फिर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी उसमें निश्चित संख्या दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वह सभी उदाहरण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। इस तरह से हमने संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण के जो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और उनके जो उदाहरण हैं वो आज हमने देखे हैं। थैंक यू।